नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोपेनोफोर्स और क्लोरोपेरीफोर्स के बारे में। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे इन दोनों में से कौन सा बेस्ट कीटनाशक है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोपेरीफोर्स 50% EC प्लस साइपरमेथिन 5% EC। ये दवा जानते हैं किस किस नाम से आती है, तो ये दवा नागराज 505 करके, केनेन, नूरानी 505, हमला 550 और भी बहुत सी कंपनियों की आती है। अब बात करते हैं इस दवा को हम कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो हम इस दवा को सोयाबीन, धान, चना, मूंग, कपास, गन्ना, मक्का और सब्जियों में जैसे मिर्च, गोभी, मटर आदि फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये दवा किन किन कीटों को मारता है। तो ये हरी इल्ली, काली इल्ली, भूरी इल्ली, तम्बाकू सुंडी, अमेरिकन सुंडी, तना छेदक और थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर लेती है। अब बात करते हैं इसके स्प्रे डोज की। तो आपको 350 से 400 ml प्रति एकड़ लेना है। इसे 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसके रिजल्ट टाइम की बात करें तो दोस्तों 10 से 15 दिन इसका असर रहता है। अब बात करते हैं इसके पैकिंग साइज और कीमत की। तो ये हमें 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर पैकिंग साइज में मिलता है। इसके 1 लीटर की कीमत 700 से 800 रुपये है। अब बात करते हैं प्रोपेनोफोर्स 40% EC प्लस साइपरमेथिन 4% EC की। तब जानते हैं ये दवा किस किस नाम से आती है। तो ये सबसे फेमस है प्रोफेक्स सुपर, रॉकेट, अजंता सुपर और भी बहुत सी कंपनियों की आती है। अब जानते हैं इस दवा को कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो इसे हम धान, सोयाबीन, चना, मूंग, कपास, मक्का और सब्जियों में जैसे मिर्च, मटर, गोभी, भिंडी आदि फसलों में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ये दवा किन किन कीटों को मारता है। तो ये हरी इल्ली, काली इल्ली, भूरी इल्ली, तम्बाकू सुंडी, अमेरिकन सुंडी, तना छेदक और थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर लेती है। अब बात करते हैं इसके स्प्रे डोज की। तो आप 300 से 350 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके साथ आपको 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की। तो 10 से 15 दिनों तक इसका रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं पैकिंग साइज और कीमत की। तो इसका पैकिंग साइज 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर में आता है और इसकी 1 लीटर की कीमत 700 रुपये के लगभग है। अब बात करते हैं इन दोनों दवाओं में से बेस्ट कौन सी है। तो इन दोनों दवाओं का हम अलग अलग काम के लिए उपयोग करते हैं। प्रोपेनोफोर्स प्लस साइपरमेथिन को हम जब हमारी फसलों में इल्लियों का अटैक हो तब इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेनोफोर्स सभी प्रकार की इल्लियों को मार देता है और इस दवा का रिजल्ट इल्लियों पर सबसे अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें क्लोरोपेरीफोस प्लस साइपरमेथिन की तो इसका रिजल्ट इल्लियों पर हमें अच्छा मिला नहीं, और भी हमारे किसान भाइयों का भी यही कहना है। इल्लियों पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, मगर धान के जड़ में लगने वाले लाल कीड़े जो हमें केंचुओं की तरह दिखते हैं, आप और कुछ नाम से जानते होंगे, इस दवा का उपयोग हम धान में लाल केंचुओं को कंट्रोल करने में अधिक करते हैं। कुल मिलाकर इल्लियों पर हमें अच्छे कंट्रोल के लिए प्रोपेनोफोर्स प्लस साइपरमेथिन का इस्तेमाल करना चाहिए क्लोरोपेरीफोस प्लस साइपरमेथिन की अपेक्षा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।